आखिर क्या मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ जंग लड़ेंगे कोमाराम भीम, किस तरह फिल्म अफ्री की दास्ता की याद दिलाएगी, कैसा था कोमाराम भीम का बचपन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो राजमौली की आगामी फिल्म RRR 2021 भारतीय क्रांतिकारियों यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक नाटक है। 400 करोड़ के बजट पर बनी ये सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। फिल्म में NTR जूनियर, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म के तुरंत बाद डायरेक्टर राजमौली अभिनेता महेश बाबू के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसकी शुरुआत 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। राजमौली ने भविष्य में हिंदू महाकाव्य भारत पर आधारित फिल्म बनाने के अपने इरादे के बारे में भी बताया है। हालांकि दोस्तों आमिर खान भी इस पर फिल्म बनाने वाले थे, वो भी अंबानी एंटरप्राइजेस जियो की मदद से, जिसमें आपको बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां एक साथ देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों आज बात महाभारत की नहीं होगी, ना ही फिल्म RRR की, आज बात होगी RRR फिल्म के अगले भाग यानी कि R4 की। जी हाँ दोस्तों, खबर एकदम पक्की है और कहानी लगभग तय है कि फिल्म RRR को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है ताकि फिल्म को और भव्य और बड़ा बनाया जा सके। शायद ये 2015 की फिल्म बाहुबली की अपार सफलता को देखकर डायरेक्टर ने ये फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों कहानी रचयिता तो डायरेक्टर के पिता KV विजेंद्र प्रसाद हैं, जो पीरियड और मैथोलॉजिकल फिल्मों के कायल हैं। और दोस्तों हो भी क्यों ना, भारत का इतिहास मैथोलॉजी और विभिन्न भाषाओं, जातियों और मूल से बना है। RRR के बारे में आपको ये तो मालूम ही होगा कि फिल्म 1920 में देश के लिए किए गए स्वतंत्रता के प्रयासों का निष्कर्ष है। तो दोस्तों कई बार ये बड़े दर्जे के प्रयास किए गए, तो कई बार ये निजी दर्जे पर, कई के लिए देश की स्वतंत्रता की कहानी, तो कई के लिए ये स्वाभिमान अपने हक की लड़ाई। और इसी स्वाभिमान और हक की लड़ाई दिखाने के लिए रामचरण और जूनियर NTR 13 अक्टूबर को आ रही हैं। तो दोस्तों फिल्म के पहले पार्ट में जहां आपको मूल कहानी देखने को मिलेगी, तो R4 में आपको एक बैकअप स्टोरी देखने को मिलेगी कि क्यों, कैसे, कब ये जनजातीय समूह के लोग बागी बन गए। ये काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इसमें आपको जूनियर NTR अंग्रेजी बोलते दिखेंगे और कुछ अंग्रेजों को हिंदी सिखाते भी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जवाब तो बस इतना ही दे सकते हैं कि फिल्म में उनकी प्रेम कहानी काफी अनोखी होगी। मोहब्बत की कोई भाषा नहीं होती, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिल्म के दूसरे भाग में ये दिखाया जाएगा कि पहले पार्ट में बलशाली और क्रोध में दिखाई दिए भीम हमेशा से ऐसे नहीं थे, और रामचरण और आलिया भट्ट की प्रेम कहानी की शुरुआत भी आपको इस भाग में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कहानी शुरुआत से शुरू नहीं होगी, तभी तो RRR के अंत में बता दिया जाएगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो दोस्तों कबीर खान की फिल्म का डायलॉग था ना, नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज, बस यही है भीम की कहानी भी। तो दोस्तों आपको इसमें जंगलों में रहने वाले कई समूह के रहन सहन और सादगी जीवन के बारे में पता चलेगा, और कैसे देश में जाति विभाजन आया ये देखने को भी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों साउथ की फिल्मों का जैसा चलन रहा है कि फिल्मों के हीरो हमेशा एक अलग अंदाज में आते हैं, और ऐसा ही कुछ कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की एंट्री भी देखने को मिलेगी। कोमाराम भीम को तेलंगाना के बहादुर योद्धा के रूप में दिखाया जाना है। वो एक गोंडा आदिवासी थे और उनका जन्म 22 अक्टूबर को हुआ था। कोमाराम भीम का जन्म स्थान तेलंगाना के एक जिले आदिलाबाद में आसिफाबाद का जोधेघाट था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वहाँ की जनजातियाँ बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखती थी। कोमाराम भीम का बाहरी दुनिया से कोई वास्तव नहीं था और वो एक अशिक्षित व्यक्ति थे। इन कारणों को प्रेरित करते हुए उन्होंने निजाम की क्रूरताओं के खिलाफ एक विद्रोही आंदोलन उठाया और अपने लोगों के बचाव आंदोलन में एक घरेलू नाम हासिल किया। यानी हो सकता है फिल्म में जूनियर NTR का मुस्लिम लुक निजाम से जुड़े हुए कुछ पहलू की तरफ इशारा करता है। फिल्म में आपको निजाम की क्रूरता और जंगल में रह रहे माइनॉरिटी समूह का शोषण होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों ये शायद आपको फिल्म 12 इयर्स स्लेव की याद दिला सकती है। जिस तरह अंग्रेजों ने अफ्रीकी जाति के लोगों के साथ रंग भेद किया और उनका शोषण किया, उसी तरह का कुछ आपको इस फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्योंकि भारत में उस समय कुछ ही लोग शिक्षित थे, जैसा कि गांधी जी, भरत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह के मूवमेंट्स निकाले, रैलियां निकाली, लेकिन दक्षिण भारत के हालात काफी अलग थे। दक्षिण तब गांव और जंगलों में बटा हुआ था। दोस्तों हैदराबाद में आसिफ जाही के शासन का अंतिम चरण अस्पष्ट और क्रूर था। हिंदू धर्म के लोगों ने निजामों की हिंसा का असर देखा। शासकों ने लोगों पर अनकहे अनगिनत जुर्म उठाए। अज्ञात कारणों से महिलाओं को बदनाम किया गया, पुरुषों को परेशान किया गया और लगान को
अत्यधिक स्तर पर बढ़ा दिया गया था। तेलंगाना क्षेत्र के जिलों के नामों में परिवर्तन हुए। बढ़ते समय भीम ने ये सब देखा। उनका दिल अपने लोगों के लिए आंसू बहाता रहा और विद्रोह की आग उनके भीतर जलती रही। लेकिन वो करते भी तो क्या करते, ना तो उनके पास अंग्रेजों की तरह हथियार ही थे और ना ही फौज। तो दोस्तों बता दूं कि कोमाराम भीम शहीद भगत सिंह से प्रेरित थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। इस प्रेरणा से उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया, जिसका अर्थ है कि जंगलों में रहने वाले लोगों को सभी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत की। जंगल में ही रहकर उन्होंने कड़ा प्रयास किया, अपनी जाति से नौजवानों को इकट्ठा करके एक फौज खड़ी की। दोस्तों दूसरी ही और अल्लूरी सीताराम राजू भी युद्ध की तैयारी में लगे थे। जहाँ RRR में युद्ध दिखाया जाएगा, तो वहीं R4 में युद्ध की शुरुआत और तैयारी। तो क्या आप देखना चाहेंगे इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को? जल्दी से अपनी राय और अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर हैं सिमरन रावत।